नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉमर्स शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट का निर्देश, 6 महीने में पूरी हो बहाली प्रक्रिया। जी हां, बिहार में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में कॉमर्स विषय के शिक्षकों की बहाली के मामले पर पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मोहम्मद अफरोज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर खाली पड़े पदों को भरने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने में कॉमर्स शिक्षकों के रिक्तियों को तय करने को कहा है। साथ ही प्रदेश में कॉमर्स शिक्षकों की बहाली के बाद ही एसटेट की परीक्षा लेने को निर्देश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने बहाली की प्रक्रिया को हर हाल में 6 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार और ऋतिक रानी ने बताया कि विज्ञापन संख्या PR 373/2019 के मामले में राज्य सरकार ने विगत 25 सितंबर 2019 को ही कॉमर्स शिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय ले लिया था। इसके बावजूद एसटेट परीक्षा के संचालन के लिए BSEB को रिक्विजिशन नहीं भेजा गया, जिसके कारण बिहार में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में कॉमर्स विषय के शिक्षकों के 1308 पद खाली हैं। बिहार एस्टेट में पास हुई साउथ की हीरोइन तेजस्वी यादव ने शिक्षक बहाली में घोटाला और फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। जी हां, बिहार में एसटीटी का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आने के बाद शिक्षक बहाली में घोटाला और फर्जीवाड़े का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। एस्टेट रिजल्ट में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया है। दरअसल बिहार एसटीटी परीक्षा में साउथ फिल्मों की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन का रिजल्ट भी सामने आया है। सोशल मीडिया में ट्विटर से लेकर फेसबुक पर मलयालम अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन का रिजल्ट वायरल है, लेकिन इस रिजल्ट में सिर्फ अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर है, जबकि नाम किसी लड़के का है जो एसटीटी क्वालिफाई कर गया है। यह रिजल्ट रिपुसुदन प्रसाद के बेटे ऋषिकेश कुमार का है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1991 है। ऋषिकेश मैथ पेपर 1 में 150 नंबर में 77.70 अंक प्राप्त किया है और मैथ के पेपर 2 में 150 नंबर में 95.45 अंक प्राप्त किया है। इसका रिजल्ट क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट में दिखा रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि रिजल्ट में ऋषिकेश की जगह मलयालम एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर लगी हुई है। पहली कक्षा में नामांकन के लिए KVS की पहली सूची जारी, 2-3 दिन में कराएं एडमिशन। जी हां, बिहार में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पहली कक्षा में नामांकन के लिए सूची जारी कर दी गई है। लॉटरी सिस्टम से एडमिशन लिस्ट निकाली गई है। लिस्ट में नाम के आने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर बच्चों के नामांकन कराना होगा। केंद्रीय विद्यालय द्वारा नामांकन की दूसरी सूची 30 जून और तीसरी सूची 5 जुलाई को जारी की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय के नामांकन के लिए जारी की गई पहली लिस्ट को आप kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली की ओर से लॉटरी सिस्टम के अनुसार यह सूची जारी की गई है। गौरतलब है कि नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल माह में निर्धारित की गई थी, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर संगठन ने केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब जब कोरोना की रफ्तार कम हुई है, तब KVS ने पहली कक्षा में एडमिशन के लिए पहले लिस्ट जारी कर दी है। पटना में आज से लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन, मेदांता हॉस्पिटल में तैयारी की गई पूरी। जी हां, राजधानी पटना में स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में पहली बार अब कोरोना से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लोगों को लगेगी। शुक्रवार यानी कि आज से पटना के जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में स्थित स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा। अच्छी खबर यह है कि पटना के एक और निजी अस्पताल बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में 1 सप्ताह के अंदर स्पुतनिक वैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी। मेदांता हॉस्पिटल ने स्पुतनिक वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। बुधवार को मेदांता हॉस्पिटल में टीकाकरण के लिए इंतजामों का निरीक्षण भी किया जा चुका है। जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल के एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रवि शंकर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है कि स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुक्रवार से शुरू होगा। पटना में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, लापरवाही पड़ेगी भारी, बिहार में मौतें नहीं थम रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद सरकार ने अनलॉक की शुरुआत कर दी। अनलॉक में लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि पटना में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। बुधवार को पटना में 71 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक की मौत भी हुई है। पिछले दिनों
पटना में लगातार कोरोना के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। इसमें मंगलवार को 55 जबकि रविवार को 27 नए संक्रमित मिले थे। अनलॉक होने के बाद एक दिन छोड़कर पिछले 10 दिनों में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 से 50 के बीच रही थी। एक सप्ताह में पहली बार 40 की वृद्धि हुई है। राजधानी पटना में बुधवार को मिले नए संक्रमितों में ज्यादा कंकड़बाग, शास्त्री नगर, बोरिंग रोड, एसकेपुरी, फुलवारी, दानापुर इलाके में मिले हैं। इन्हीं इलाकों में सक्रिय मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। ये ऐसे इलाके हैं जो दूसरी लहर के दौरान भी सर्वाधिक संवेदनशील थी। कोरोना केस बढ़ने के बाद सक्रिय संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है। बुधवार को सक्रिय संक्रमितों की संख्या 377 हो गई है। इससे पहले मंगलवार को यह संख्या 337 थी। डेल्टा प्लस को लेकर अलर्ट मोड में केंद्र सरकार, बिहार से भी जांच के लिए लिया जाएगा सैंपल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार अब डेल्टा प्लस को लेकर सतर्क हो गई है। डेल्टा वेरिएंट के बदले हुए स्वरूप डेल्टा प्लस को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। देश के 5 राज्यों में बुधवार तक डेल्टा प्लस से संक्रमण के 43 मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। डेल्टा प्लस के संक्रमण के 40 केस महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में मिले हैं। केंद्र ने इन तीनों राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने और जन स्वास्थ्य संबंधित उचित कदम उठाने को कहा है। इस बीच कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु में 1 मामला डेल्टा प्लस का सामने आया है। बिहार में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की जांच को लेकर सैंपल उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित वायरोलॉजी लैब में भेजे जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसीलिए जांच का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने नए रूप डेल्टा प्लस को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को 40 से 50 सैंपल कोरोना संक्रमितों से जमा कर भुवनेश्वर भेजने का फैसला किया है। बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी, अगले महीने होगी काउंसलिंग। जी हाँ, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार सरकार की ओर से काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से तारीखों का ऐलान के बाद शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की नौकरी हो जाएगी। बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से जारी काउंसलिंग संबंधित शेड्यूल के अनुसार 5 जुलाई को जिला मुख्यालय में नगर निकाय नियोजन इकाई, 7 जुलाई को जिला मुख्यालय के प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय के पंचायत नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मेघा सूची के आधार पर शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 15 अगस्त से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। टीकाकरण में सामने आ रही है लापरवाही, कोवैक्सीन लेने वालों को मिल रहा है कोविशील्ड का सर्टिफिकेट। बिहार में वैक्सीनेशन अभियान तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इसमें लापरवाही के भी कई मामले सामने आ रही है। जानकारी हो कि राज्य में फिलहाल 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है, पहली कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। कुछ मामलों में देखा गया कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन ली है उन्हें कोविशील्ड का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ऐसे ही मामले पटना में सटे मनेर, नायका टोला, हल्दी छपरा गांव में बने उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेंटर में सामने आए हैं। यहां दर्जनों लोगों का गलत सर्टिफिकेट दे दिया गया है। वैक्सीन का टीका लेने वाले लोगों ने जब कोविन पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो उन्हें कोविशील्ड लगाए जाने का सर्टिफिकेट मिला। कई सर्टिफिकेट पर टीका लेने का तारीख बदल जाने के साथ साथ कोविड सेंटर का पता भी गलत है। ऐसे में वैक्सीन लेने वाले लोग सेंटर का चक्कर काट रहे हैं। पटना समेत इन 12 जिलों में 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब, 3 साल की वारंटी भी होगी। बिहार में पटना समेत 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले 1 महीने में 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलने लगेगा। इसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल है। केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 और 12 वाट के बल्ब भी 3 साल की वारंटी होगी। को बता दें कि इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में भोजपुर जिले के आरा में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने की थी। फिलहाल वहां के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं। वहां करीब 25 लाख एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए नियुक्ति कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ताओं के घर जाएंगे और उनसे पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10 रुपए में नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार ग्रीन एनर्जी योजना में प्रत्येक देश अपने संसाधनों को विकसित कर जितना कार्बन पर्यावरण में जाने से रोकते हैं उस मात्रा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संबंधित देश के लिए कार्बन क्रेडिट फंड बनता रहता है।
ट्रेन से सफर में अब नहीं होगी दिक्कत, बिहार के लिए 56 ट्रेनों को चलाने का ऐलान। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटी है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिन ट्रेनों को रेगुलेट कर चलाया जा रहा था, अब उन्हें विस्तारित करने का ऐलान किया गया है। पूर्व मध्य रेल ने 56 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार का फैसला लिया है। गुरुवार को पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से या यहां तक चलाई जा रही 28 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में वृद्धि की गई है। इन गाड़ियों का मार्ग, ठहराव और समय पूर्ववत रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना की लहर धीमी पड़ते ही अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। रेलवे की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार बिहार से दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुजरात, पंजाब, केरल, तेलंगाना, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों को जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।